आप देख रहे हैं मेरे पीछे का वो नज़ारा जहां पर खेत आपको दिख रहा है। हम यहां के एक किसान की स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि यहां के हालात क्या है और ये किसान किस तरीके से इस जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। नाले का पानी है, नाले का पानी पी रहे, 12 महीने पानी नहीं रहता है, बोरी में कुछ नहीं। तो आज हम जिस किसान के साथ मौजूद है वो वड़ेली देहात में बसने वाले शेरमा की नामदेव नाम के किसान हैं, जो इस जंगल के अंदर बसे हुए हैं। आबादी से 3 किलोमीटर दूर बिल्कुल चारों तरफ से जंगल है और उसमें वो यहाँ पर रहते हैं। खेत में रह रहा तो जंगल है सारी तरफ से, तो बाग है, है, बहुत है। अभी यहाँ पर तुम खेत में रह रहे, हाँ। तुम्हारे खेत में पानी की, बिजली की, करंट वगैरह की कोई सुविधा है? कुछ भी नहीं, सुविधा नहीं, कुछ में करंट नहीं, कुछ में पानी नहीं, नाले को बोली नहीं है। जंगल में रहना, खेत को पालन पोष करते, खोला निकलता, खाते खाते जाते, हराम सांबर खाते, तो थोड़ा बस्ता तो खा दे। आपको सरकार के तरफ से अभी तक यहाँ पर बिजली का इंतजाम कभी हुआ या बोड़ी या फिर बोरवेल वगैरह कभी कुछ मिला? अभी तक सरकार का कुछ भी नहीं हुआ, बिजली नहीं, लाइट नहीं, करंट नहीं, बोर नहीं, कुछ नहीं। अब कैसे बचने यहाँ पे, जंगल में रह रहा हूँ। आता है शेतामध्ये तुमचं जे नुकसान होते, पूर्ण माल तुम्हाला निघणार, त्याच्यामधली भरपाई करायचं राहिलं तर कसं करता तुम्ही? भरपाई काय करावं, आता असंच कसं बी भरपाई, आमदा पाणी नाही, वीर नाही, नाल्याला पाणी नाही, काहीच नाही। आता ते काही, आता ते पैसे भी फिटत नाही। हम ये नहीं कहते कि सरकार किसानों पर तवज्जो नहीं देती, बल्कि इन देहातों में पाए जाने वाले किसानों पर कौन तवज्जो देता है? जाहिर बात है कि जहां पर सड़कों पर गांव मिल जाते हैं, सड़कों पर खेत मिल जाते हैं, आपको हरे भरे खेत नजर आ जाते हैं, लेकिन ये जंगलों में 3-3 किलोमीटर शहर आबादी से 3-4 किलोमीटर दूर, जहां दूर दूर तक ना ही करंट दिखाई देता, ना कोई पब्लिक दिखाई देती, ना दूर दूर तक कोई रहता है, बल्कि अपनी जान जोखिम में रखकर ये लोग इन जंगलों में दिन गुजारते हैं और रात भी यहीं पर गुजरती है। दिन में तो अपने फसल के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन रात में जंगली जानवरों से फसल की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। यहाँ पर वो सिर्फ खेती ही नहीं करते, बल्कि अपने नुकसान की पारुजाई के लिए वो कुछ ना कुछ रास्ते तलाश लेते हैं। कोई किसान भेड़ बकरी पालकर अपना साइड बिजनेस कर लेता है, कोई गाय बैल भैंस पालकर आपकी साइड बिजनेस कर लेता है, तो कोई मुर्गियां वगैरह भी पाल लेते हैं।